एनडीपी गवर्नमेंट कॉलेज नोहार छात्र संघ का कमेंट बलवान को ने निशल संघ कार्यालय का उद्घाटन किया है। एनडीपी गवर्नमेंट कॉलेज नोहार छात्र संघ का उद्घाटन कार्यक्रम था। सफाई के पूरे पैनल की जीत हुई थी, जो जीत अध्यक्ष थे और तीन पदाधिकारी और थे, उसके उद्घाटन कार्यक्रम में आए हैं। विद्यार्थियों को नए साल की शुभकामना देते हुए हमने विद्यार्थियों को शिक्षा और संघर्ष की जो हमारी परंपरा रही है सफाई की, उस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात साझी की है। दूसरी बात ये भी जरूरी है कि देश और प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल बना है, पिछले 2014 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से वातावरण बना था 13 में कि साहब नई सरकार आएगी, रोजगार के पद सृजित होंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, वो सारी बातें तो पीछे छूट गई। देश में आज भी बहस मंदिर मस्जिद पर, इतिहास लिखने तोड़ने मरोड़ने पर चल रही है। मूलभूत बातों से प्रदेश में बीजेपी हार गई, कांग्रेस का राज आ गया, तो भी मूलभूत बातों से ध्यान हटा हुआ है। इसलिए विद्यार्थियों से हमने तो यही अपील की कि स्टडी एंड स्ट्रगल, पढ़ो और हक के लिए लड़ो। समाज और आज राजकीय महाविद्यालय नोहार के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन था। हमारे भादरा के नव निर्वाचित विधायक कमेंट बलवान को ने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया है और कॉलेज के विद्यार्थियों को नए साल की शुभकामनाओं के साथ साथ कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर के विद्यार्थी सड़कों पर लड़ेंगे आने वाले समय में। और विद्यार्थियों ने और कॉलेज के स्टाफ से बातचीत करने के बाद विधायक जी को भी विद्यार्थियों ने ज्ञापन सौंपा है, उसमें कॉलेज की समस्याएं बताई है। ये आपको बताया भी है कि राजस्थान की विधानसभा में ये कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को राजस्थान की विधानसभा की पटल पर उनकी मेज पर रखेंगे। लेकिन हम तो हमेशा से ही राजकीय महाविद्यालय से हमारा लगाव रहा है, प्यार रहा है। 2012-13 में हम इसी महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उसके बाद भी महाविद्यालय को जब भी हमारी जरूरत पड़ी, हमारा संगठन, हमारी पार्टी हमेशा महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर के तत्पर रही है, तैयार रही है। आने वाले समय में राजस्थान की विधानसभा में साथी बलवान बात रखेंगे तो हम यहाँ सड़कों पर रह करके कॉलेज की समस्याओं को लेकर के लड़ेंगे। बाकी आज का कार्यक्रम आप तक सबसे पहले पहुंच सके।